आज यहाँ पर संजीव बुदौलिया भाई साहब ने नारायण सेवा संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा एक दिव्यांग भाइयों के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पहले 4 जनवरी को हुआ था, जिसमें 2 जनवरी को निरीक्षण हुआ था और आज 62 लोगों को उपकरण दिए गए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन की व्यवस्था कराई गई है। तो जो दिव्यांग भाई हैं हमारे, उन सभी की हम लोग इस तरीके से सेवा कर सकें। और मैं सभी से चाहता हूं कि झांसी के जितने भी हमारे सारे लोग हैं, हम सबको ऐसे संस्थाओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप लोग सब जुड़ेंगे तो झांसी में हम सभी लोग मिलकर दिव्यांग भाइयों की हमेशा मदद कर सकेंगे। मैं पुनः अपने मेयर झांसी रामतीर्थ सिंगल जी का, पवन गौतम जी का और विशेष रूप से संजीव बुदौलिया जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी इन्होंने शुरुआत पहल करी है और हमेशा आगे करते रहेंगे। मेरा नाम संजीव बुदौलिया है, अध्यक्ष हूँ श्री राम कथा आयोजन समिति का। हम लोगों ने, हमारी समिति ने यह तय किया कि कुछ झांसी में ऐसे समाज सेवा का कार्य किया जाए जिससे दीन दुखियों के चेहरे पर हम लोग मुस्कान ला सकें। और हम लोगों ने नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से विगत 2 जनवरी 2022 को यहां एक कैंप का आयोजन किया, जिसमें 322 मरीजों का परीक्षण हुआ। और आज हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज उनमें से चयनित 62 ऐसे दिव्यांग बहनों भाइयों को हम लोग कृत्रिम अंग आज भेंट कर रहे हैं, तथा 52 बहन भाइयों का ऑपरेशन के लिए चयन हो गया है, जिनका नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। आज वास्तव में इन लोगों के चेहरे पर जो हमने मुस्कान देखी, इन दिव्यांग भाई बहनों के चेहरों पर जो मुस्कान देखी, तो आज हम परमात्मा का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि परमात्मा ने इस पुनीत कार्य की लिए हम सबको निमित्त बनाया, हमारी राम सेवा समिति को निमित्त बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं मुकेश शर्मा, शिविर प्रभारी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर। झांसी वासियों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ और साथ ही साथ यह बताना चाहूँगा कि दिनांक 2 जनवरी 2022 नए वर्ष में एक नई शुरुआत हुई थी, दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम। यह माननीय श्रीमान संजीव जी बुदौलिया साहब, श्री राम कथा आयोजन समिति एवं सभी सदस्यों ने मिल करके महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में इस शिविर का आयोजन करवाया। और उस शिविर में 52 दिव्यांग भाई बच्चों का ऑपरेशन के लिए उदयपुर से डॉक्टर साहब ने चयन किया। इसके अलावा 62 ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अपने हाथ पैर गंवा चुके हैं और ऐसे दिव्यांग भाई उनका मेजरमेंट हुआ। और आज सौभाग्य की बात है कि आज 24 अप्रैल 2022 को पुनः फॉलोअप शिविर लगा करके आज यहाँ कृत्रिम अंग प्रदान किए जा रहे हैं और दिव्यांग भाई बहन अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले करके हमें भी बहुत सुकून मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि राम कथा आयोजन समिति इसी तरह से आगे निरंतर सेवा के कार्य में लगे रहे और यह कैंप हर साल यहाँ लगता रहे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।